السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم خواتين وحضرات नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। ये सिलसिला हम इस रबीउल अव्वल के महीने में जारी कर रखा है। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़िंदगी में हमारे लिए बड़ी रहनुमाई है और आपकी ज़िंदगी को अख्ज़ करने और उस पर अमल करने और उसको मानने पर हमारे लिए बड़ी कामयाबी है, बड़ी बशारत है, अल्लाह की महबूबियत मिलती है, अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूँ जूँ इताअत करते जाएंगे अल्लाह की रहमतें मुतवज्जह होती जाएंगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे, अल्लाह की महबूबियत मिलती रहेगी। अल्लाह अपना करीबी बंदा बना लेता है, अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनकी फरमाबरदारी, उनकी तालीमात को मानने में बड़ी कामयाबी है। वो ज़िंदगी नबी बनाए जाने से पहले की है हमारे लिए, उसमें भी बड़े नमूना हमारे लिए मौजूद है, रहनुमाई मौजूद है और बड़ी बड़ी इबरतें मौजूद है, तालीमात मौजूद है। तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को आपके सामने ज़िक्र कर रहे थे, उससे निकलने वाली हिदायात पर हम रोशनी डाल रहे थे। आज हम एक वाक़या आपकी ज़िंदगी का आपके सामने पेश करेंगे जो नबी बनाए जाने से पहले का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल है, तकरीबन 35 साल। अक्सर मुहक्किकीन ने लिखा है कि उस वक्त आपकी उम्र इतनी ही थी, यानी 35 साल आपकी उम्र थी। तो खाने काबा एक नशेब में था, आज भी नशेब में है वो, तो उस ज़माने में भी नशेब में था। तो पानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो सारा पानी उस खाने काबा में आकर जमा हो जाता था, तो उसकी इमारत मुनहदिम होने लगी थी, कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो कबीले के मुख्तलिफ लोगों ने मशवरा किया, जो बड़े बड़े थे रुआसाए कुरैश कबीलों के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मशवरा किया कि खाने काबा को तामीर किया जाए और इस पर काम किया जाए। पानी भर जाता है और इसकी दीवारें कमज़ोर होने लगती हैं, तो इसकी तामीर की जाए। सब लोग तामीर करने लगे। तामीर करने का ये मशवरा आया, सब ने इस बात पर लब्बैक कहा कि हाँ ठीक है, खाने काबा की तामीर करनी चाहिए। तो एक शख्स उनमें से खड़ा हुआ, उसका नाम है अबू वहाब बिन अम्र मखज़ूमी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद के मामू हैं। वो खड़े होते हैं और कहते हैं, देखो बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत अच्छी राय है कि आप खाने काबा की तामीर करने जा रहे हैं, बहुत मुकद्दस फरीज़ा है, बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, बड़ी नेकी का काम है, लेकिन ये बात याद रखो कि इस तामीर में, खाने काबा की तामीर में जो पैसा लगे वो हलाल कमाई का हो, एक पैसा भी नाजायज़ कमाई का इस मुकद्दस घर की तामीर में नहीं लगना चाहिए। न चोरी का पैसा हो, न जिना का पैसा हो, न लूट का पैसा हो, किसी तरह की भी नाजायज़ कमाई का पैसा इस घर की तामीर में नहीं लगना चाहिए। सारा पैसा जो कुछ इसमें खर्च हो वो हलाल कमाई का हो, जायज़ कमाई का हो। ये उन्होंने उस वक्त ये बात पेश की। सब कबीले इस पर मुत्तफिक हो गए, सब ने अपने अपने काम बाँट लिए, किसी ने किसी हिस्से को अपने ज़िम्मे लिया है कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, किसी कबीले ने किसी दूसरे हिस्से की तामीर का ज़िम्मा लिया। इस तरह चारों तरफ से खाने काबा की तामीर के हिस्से बट गए और सब लोग इस काम में जुट गए, लग गए। सब लोग अपनी जायज़ कमाई, हलाल कमाई लाकर खाने काबा की तामीर में सर्फ करते थे, खर्च करते थे। तो जब खाने काबा की तामीर हो गई तो अब मसला आता है कि हजर अस्वद को कौन रखेगा। अब सब कबीलों के अंदर ये
बात थी कि हम इस शरफ को हासिल करेंगे। खाने काबा की तामीर भी एक बड़ा शरफ का, बड़ी इज्जत का बाइस है, तो सब लोग उसमें शामिल हो गए। हजर अस्वद को रखने का मसला दरपेश आया तो सब कबीले ये चाहते थे कि इस शरफ को, इस इज्जत को वो हासिल करे, वो खाने काबा में हजर अस्वद को अपने हाथ से रखे। हर कबीला आ रहा था, हर कबीला ये चाह रहा था। तो वो तो बहुत मामूली मामूली चीज़ के लिए लड़ जाते थे, उलझ जाते थे। उनके यहाँ ज़रा सी बात होती थी और 40 साल तक जंग जारी रहती थी, ये तो फिर बहुत बड़ी इज्जत की बात थी, बहुत शरफ की बात थी। तो हर कबीला इसमें बढ़ चढ़ कर ये चाहता था कि उस इस शरफ को, इस खाने काबा में हजर अस्वद को नसब करने में हमारा हिस्सा हो, हम उसको रखेंगे। सारे कबीले आ गए, आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई मसले का हल नहीं निकल रहा है। कई दिन गुजर गए कि खाने काबा में हजर अस्वद को हम रखेंगे, नहीं तो हम झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। सब ने तलवारें निकाल ली अपनी, मसले का हल नहीं हो रहा था, परेशान थे लोग, क्या करें, खून खराबा हो जाएगा। एक कबीला भी दूसरे को ये शरफ देने के लिए तैयार नहीं था, तरजीह दूसरे को दे देता, अपनी इशार कर देता कि चलिए भाई आप ही इस हिस्से को, इस शरफ को हासिल कर लीजिए। कोई ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था, वो चाहता था कि मुअज़्ज़ज़ ये शरफ, ये इज्जत हमें मिले, हमारे कबीले में आए। तो झगड़े की बात हो गई, लोग बिल्कुल सूती हुई तलवार लेकर खड़े हो गए कि या तो हम रखेंगे, नहीं तो हम कत्ल व गारतगिरी करेंगे, खून खराबा करेंगे। ये चलता रहा, कई रोज़ गुजर गए, कोई मसले का हल नहीं हो रहा था। तो एक बुज़ुर्ग आदमी, उम्र रसीदा आदमी ने कहा कि देखो, इस मसले का हल ये है कि कल जो इस दरवाज़े से पहले आएगा वो हमारे दरमियान में फ़ैसला कराएगा, हकम बनेगा, जज बनेगा, वो जो फ़ैसला कर देगा हमें उसकी बात पर लब्बाई कहना है, उसकी बात को तस्लीम करना है। सब ने इस बात पर हामी बन ली और सब अपने घर चले गए। फिर अगले रोज़ सब लोग खाने काबा में आए और इंतज़ार करते रहे कि अब कौन सबसे पहले आएगा। तो देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, दरवाज़े से आ रहे हैं। सब ने उनको देखते ही फौरन कह उठे, हाजा मोहम्मद अल अमीन रदीना, हाजा मोहम्मद अल अमीन, कि ये तो मोहम्मद हैं, अमानतदार हैं, हम इस पर राज़ी हैं, हम अपने दरमियान इनको जज बनाने, हकम बनाने पर राज़ी हैं, हम इन्हें ये जो फ़ैसला कर देंगे हमारे दरमियान, हम सब इस पर इत्तेफ़ाक़ करते हैं, हम सब इस पर राज़ी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कबीलों से कहा कि एक चादर लेके आओ। सब एक चादर लेकर आए और आपने कहा कि इस चादर को चारों कोनों से सारे कबीले के लोग पकड़ लें। और हजर अस्वद को उस चादर के अंदर रखा गया और आपने कहा कि आप सब उठाओ। सब ने उस चादर को उठाया और सब शरीक हो गए उस पत्थर को उठाने में। फिर जब उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर उस हजर अस्वद को नसब करना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो पत्थर, वो हजर अस्वद उस जगह पर नसब कर दिया और एक बड़ा झगड़ा ख़त्म हो गया। जहाँ जाने जाने का ख़तरा था वो झगड़ा ख़त्म हो गया। तो आप देखें क्या मुख्तसर सा वाक़िया है, लेकिन हमारे लिए इस वाक़े में बड़ा इबरत का सामान है, बड़ी नसीहतें हैं, बड़ी तालीमात हमारे लिए इस वाक़े में मौजूद है। पहली बात तो आप ये देखिए कि ज़माने जाहिलियत में लोगों के अंदर ये शऊर था, ये एहसास था कि हम अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं, अल्लाह का मुकद्दस घर है, तो इस घर की तामीर में कोई पैसा हराम कमाई का नहीं लगना चाहिए, हलाल कमाई का पैसा इस घर में लगना चाहिए। इसलिए आपके वालिद माजिद के मामू अबू वहब बिन आम्र मखजूमी ने खड़े होकर ये डंके की चोट पर और अललान ये कहा कि इस घर की तामीर में हराम कमाई ना लगे। हमारे लिए भी इसमें इबरत का सामान है कि हम अल्लाह के घर मस्जिदों को तामीर करते हैं, तो हम देखें कि हम उसमें कौन सा पैसा लगाते हैं। ज़माने जाहिलियत के लोगों को इतना शऊर था कि इस मुकद्दस और पाकीज़ा घर में हराम की कमाई नहीं लगेगी, इसलिए कि अल्लाह पाक है, पाक चीज़ को पसंद करता है। और हम भी इसमें अब अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें और देखें कि हम जो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेते हैं वो किस पैसे से लेते हैं।
हम कौन सी रकम देते हैं, और लेने वालों को भी चाहिए कि वो किस से पैसा ले रहे हैं। अल्लाह का घर बनाने जा रहे हैं, अल्लाह के की मस्जिद तामीर कर रहे हैं, तो वो पैसा किस से हासिल कर रहे हैं, कौन लोग हैं। तो माल हराम घर की मस्जिद की तामीर में हरगिज़ नहीं लगना चाहिए, मस्जिद बने या ना बने, लेकिन उसमें पैसा जायज़ कमाई का लगना चाहिए। वो जगह जायज़ हो और जो पैसा उसमें खर्च हो वो जायज़ कमाई का हो, चोरी का, झगड़े का, नाजायज़ कमाई का, झूठ का, सूद का, किसी तरह की झूठी कमाई का, नाजायज़ कमाई का उसके अंदर एक रुपया नहीं लगना चाहिए। एक बात तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से ये मालूम हुई। दूसरी बात जो सबसे अहम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखिए कि लोग उन पर एतमाद करते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं कि वो आए हैं तो लोगों ने फौरन कह उठे कि ये अमानतदार हैं, हमारे दरमियान जो फ़ैसला कर देंगे हम इस पर राज़ी हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमानतदारी का आईनादार थी, वो सच्चे थे, वो अमानतदार थे, तो लोग उन पर एतमाद करते थे, उनके फ़ैसलों पर भरोसा करते थे कि ये हक़ के साथ फ़ैसला करेंगे, सच्चाई के साथ फ़ैसला करेंगे, अमानतदारी के साथ फ़ैसला करेंगे। इनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी एक खूबसूरत आईना है, लोग उस पर राज़ी हो गए। तीसरी बात इस वाक़े से ये भी मालूम हुई हमें कि झगड़े को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहिए, झगड़े बढ़ाने से कभी फ़ायदा नहीं होता। झगड़ा कैसे ख़त्म किया जाता है, किस तरह उस झगड़े का हल पेश किया जाता है कि ये झगड़ा ख़त्म हो जाए, क्या टेक्निक अपनाई जाए, क्या जो है तदबीर इख्तियार की जाए जिससे झगड़ा ख़त्म हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न तदबीर करके एक बेहतरीन अंदाज़ में एक बड़ी मुसीबत को, एक बड़े झगड़े को, एक बड़ी आफत को टाल दिया, ख़त्म कर दिया, और सारे कबीलों को एक जगह मिला दिया। ऐसा रास्ता आपने इख्तियार किया, क़ुरबान जाइए, फिदा जाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान जाइए कि आपकी अक्ल और आपकी हुस्न तदबीर ने एक बड़े झगड़े को टाल दिया। हम भी माशरे में रहते हैं, हमारे दरमियान में लोग रहते हैं, तो कभी कभी भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, कभी कभी पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है, कभी इलाके इलाके में झगड़ा हो जाता है। तो ज़िम्मेदार लोगों की, समझदार लोगों की, अच्छे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उस झगड़े का को सुलझा दें, उस मसले को हल कर दें, उस झगड़े को बढ़ने ना दें, उस मुसीबत को आगे जाने ना दे, वहीं पर दबा दे, वहीं पर ख़त्म कर दें, और लोगों के दरमियान में ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जो जायज़ हो और झगड़ा ख़त्म करने वाला हो। इस रास्ते से हम लोगों के दिलों को मिला सकते हैं, माशरे में अमन कायम कर सकते हैं, झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं, दूरियों को ख़त्म कर सकते हैं, लोगों को करीब कर सकते हैं, एक दूसरे से मिला सकते हैं। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से ये सीखते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी अमानत दारी और सच्चाई हमारी ज़िंदगी में हो, लोग हम पर भरोसा करें, एतमाद करें, और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ तहकीम को, इस फ़ैसला करने के अंदाज़ को हम भी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं कि हमारे दरमियान में कहीं कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, तो हम उस झगड़े को सुलझा दें, उलझाएं नहीं। आजकल लोग झगड़े को उलझा देते हैं, बढ़ा देते हैं, बल्कि हमें वो झगड़ा ख़त्म करना है, उस झगड़े को सुलझाना है, उसका हल पेश करना है, ना कि उसको बढ़ाना है, एक दूसरे को करीब करना है, ना कि एक दूसरे को दूर करना है। ये इस वाक़े से हमें मालूम होता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।